हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर आरएएस में। आज हम आपको दैनिक जागरण अखबार जो है, जिसको कि हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, उसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से क्या चीज़ अखबार में इम्पॉर्टेंट है और किन चीज़ों को हमको अखबार में डिस्कार्ड करना है, छोड़ देना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप अगर हिंदी माध्यम से हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि अखबार सभी को पढ़ना चाहिए एक जनरल नॉलेज के लिए, जिससे कि आप कभी भी किसी भी करंट अफेयर्स का कोई चाहे क्विज़ हो या करंट अफेयर्स की कोई बुकलेट हो, उस पर टोटली डिपेंड ना रह पाएँ। और आप जो है अगर कम समय में भी अखबार पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से अखबार का टेक्निक होता है पढ़ने का वो जानना चाहते हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए काम का है। और कोई भी एस्पिरेंट, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वो आरएएस का हो, या स्टेट पीसीएस का हो, या फिर और भी जो सबॉर्डिनेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनका हो, या फिर आपके एसएससी, बैंक्स, या इन तरीके का, या फिर अगर आप टीचिंग लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको जो है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो पता होना चाहिए, जिससे कि आप कम समय में अखबार को अच्छे से पढ़ पाएँ। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से अखबार को आज पढ़ना है वो हम देखेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कैसे नोट डाउन किया जाता है उसको भी हम देखेंगे। तो ये है हमारे सामने इसका फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज दैनिक जागरण अखबार का। इसमें टोटल 16 पेजेस हैं फिलहाल, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो फ्रंट पेज है उसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज क्या क्या है। देखिए, पहला जो है उसमें लिखा है, ये जो है आपके इसरो से रिलेटेड न्यूज़ है, जो कि अभी मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चर्चित है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि जो लैंडर है विक्रम, उससे हमारा संपर्क जो है, इसरो का जो संपर्क है वो टूट गया था। तो उसके बाद में ऑर्बिटर के बारे में क्या न्यूज़ है, वो सारी खबर जो है इसके अंदर आपको दी गई है, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये हमारे हर सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, और अगर स्पेसिफिकली मैं आरएएस की बात कहूँ तो आपको जीएस का पेपर सेकेंड जो है साइंस एंड टेक में पढ़ना है, इसलिए आपको जो है ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको इसके लिए अपडेट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी जी, इनका जो अभी निधन हुआ है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, ये अधिवक्ता रहे हैं और कई इंपॉर्टेंट केसेस जो है इन्होंने हैंडल किए हैं, तो इनके बारे में एक पर्सन इन न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है, यानी चर्चित व्यक्ति जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उसके हिसाब से हमें पढ़ना ज़रूरी है। सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन थे जिनका भी निधन हुआ है, या इनके नाम पर भी सवाल पूछा जा सकता है, कुछ केसेस के लेकर भी इनसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है अभी अपने 100 डेज़ का रिपोर्ट कार्ड जो है वो बताया है लोगों को, तो उससे रिलेटेड है, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या अच्छे जो स्टेप्स हैं या जो भी स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये न्यूज़ गैलरी जो है इसको आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो अंदर के पृष्ठों में जो डिफ़ाइन करके चीज़ दी गई है उसके बारे में यहाँ पे आपको स्नैपशॉट दिया जाता है, इसलिए आप उसको पहले पढ़ें। पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे दे रखा है, स्विट्ज़रलैंड ने सौंपी भारतीयों के खातों से जुड़ी जानकारी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लैक मनी से रिलेटेड है, तो इस न्यूज़ को हम ज़रूर से ट्रैक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमारे किसी काम का नहीं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय में लिखा है, अमेरिका और तालिबान की शांति वार्ता टूटी। तो अमेरिका और तालिबान, देखिए तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर एक आतंकी संगठन है, तो अफ़गानिस्तान से अभी जो है अमेरिका अपनी सेनाओं को जो है धीरे धीरे हटा रहा है, तो अमेरिका जो है उसने तालिबान के साथ में वार्ता की थी, जिसको कि अंतिम पड़ाव पे जो है वो आके टूट गई है, मतलब उसमें कोई भी निष्कर्ष जो है उनके लिए शांति वार्ता से संबंधित नहीं निकल पाया है। ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये IR का पार्ट है, यानी कि इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये, इसलिए इसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप RS परीक्षा की बात करें तो आपको GS पेपर थर्ड के अंदर इंडिया और USA के संबंध, भारत और USA के संबंधों के बारे में पढ़ना है। IAS की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी आपके GS पेपर सेकंड के अंदर जो है आपको IR पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने हैं। और अगर आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर वहाँ पर के लेख लिखने के लिए आ जाए तब भी आप जो है इसको पढ़ना आपके लिए आवश्यक है, तो इसलिए आप उसको ध्यान रखें। तो तालिबान से जो शांति वार्ता जो ख़त्म हुई है, इससे भारत के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ेंगे, वो प्रभाव क्या पड़ेंगे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे किसी काम की न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर ये न्यूज़ किसी इसमें नहीं है। आगे देखिए,
ये है कोलोकेशन मामले में चिदंबरम की भूमिका की जांच हो, जिग्नेश शाह। तो कोलोकेशन क्या होता है, आप जानते हैं कि पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री जो पी चिदंबरम जी हैं, उनके ऊपर अभी मनी लॉन्ड्रिंग के केस जो है, उन चार्जेज हैं उनके ऊपर, कई चार्जेज हैं वैसे तो, और मनी लॉन्ड्रिंग उस पर सबसे महत्वपूर्ण है। INX जो मीडिया वाला मामला था उसके ऊपर जो इन पे जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है। तो ये कोलोकेशन क्या चीज़ है, ये एक नया एलिगेशन इनके ऊपर लगा है। कोलोकेशन वो चीज़ है कि आप जानते हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है आपका NSE, जो स्टॉक वहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि कुछ स्टॉक ब्रोकर्स जो थे, जैसे कि इसमें दे रखा है कि जो देखिए इसमें आप पढ़ सकते हैं कि कोलोकेशन के तहत NSE के ने चुनिंदा स्टॉक ब्रोकर्स को NSE परिसर में सर्वर स्थापित करने की इजाज़त दी थी। इससे ब्रोकर्स को बहुत सी सूचनाएं रियल टाइम बेसिस पे मिल जाती थी, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये वाइट हैंड जो है स्कैम किया गया है, ठीक है, कोलोकेशन देने के बाद, कोलोकेशन देने से। तो उसके ऊपर जो है, ये जो जिग्नेश शाह है उसने जो है सवाल उठाया है, ये भी काफ़ी बार जेल जा चुके हैं इसी मामले के अंदर। तो ये कुछ छोटी सी न्यूज़ थी, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम जो है ये वाली न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक ओवरव्यू था आपके लिए कि किस प्रकार का हमारा फ्रंट पेज को हमको न्यूज़ को ट्रैक करना है। अब हम जो है इन न्यूज़ को अंदर से देख लेते हैं कि इनमें क्या कुछ खास है। तो पहले जो हमारी थी इसके अंदर, उसमें दे रखा था कि इसरो ने जो है, इसरो के बारे में जो खबर थी उसको जो है हम देख लेते हैं, चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। देखिए चंद्रयान 2 मिशन जो है आपका 22 जुलाई को जो है लॉन्च हुआ था, ये आपको पता ही है। उसके बाद में जो इसका लैंडर था, ठीक है, एक लैंडर मिशन एक ऑर्बिटर था इसके अंदर। तो ऑर्बिटर तो क्या करता है कि उसमें रिवॉल्व करता है, और जो लैंडर जो था वो जो है साउथ पोल में, यानी कि दक्षिणी ध्रुव के अंदर जो है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जाने वाला जो है इसको जाना था, और वहाँ जा कर के जो है खनिजों से संबंधित और जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको ट्रैक करना था। लेकिन इसकी लैंडिंग के दौरान ही क्षतिग्रस्त हो गया, और इसमें जो है संपर्क जो था इसरो के साथ में, जो संपर्क इसका जो होना था वो जो है इसका टूट गया था। और अभी कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि जो विक्रम लैंडर है उसके बारे में, वो कहाँ पर स्थित है उसके बारे में जो है ऑर्बिटर ने पता लगा लिया है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप ये जानें कि भारत ऐसा पहला देश बना है जिसने कि जो है एक जो है लैंडिंग जो है लूनर लैंडिंग जो है, यानी चंद्रमा पे जो है इस प्रकार की अपने विक्रम जो मिशन है उसकी लैंडिंग करवाई, ऐसा पहला देश जो है भारत बन गया है इसमें। तो ये आप ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ ये कि ये कब लॉन्च हुआ था, ये भी आप ध्यान रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी जी का निधन। तो इनके बारे में मैं कुछ और भी बता देती हूँ, हालांकि ये पर्सन इन न्यूज़ यानी चर्चित व्यक्ति के हिसाब से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो व्यक्ति हैं ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, और इनकी फ़ीस भी बहुत अच्छी खासी हुआ करती थी जब इन्होंने केसेस लड़े हैं। 22 लाख पर डे के हिसाब से ये जो है फीस भी लिया करते थे एक वकील के रूप में अगर इनको देखें तो। और ये जो है राजद एक पार्टी है उससे ये सांसद भी रहे हैं, ठीक है, और ये केंद्रीय मंत्री की भूमिका में भी रहे हैं। तो ये भी आप इनके बारे में ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोलोकेशन मैंने आपको बता दिया था। इसमें जनसंकल्प के 100 दिन, जिसमें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जो है 100 दिन के में जो जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उनके बारे में उन्होंने रिपोर्ट कार्ड अपना जनता के सामने पेश किया है। जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जो है वो रिपोर्ट कार्ड अभी जनता के सामने पेश किया है। तो उसको हम अभी ध्यान से पढ़ेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखिए वैसे सिटी न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है, डेंगू के खिलाफ अभियान को कई हस्तियों का साथ। अब ये कई हस्तियों के बारे में हमें नहीं जानना है, लेकिन डेंगू, देखिए इसको इंग्लिश में डेंगी कहते हैं, ये रोग जो है एक वेक्टर जनित बीमारी है, और ये आपको GS पेपर 2nd के अंदर आपको पढ़नी है, मानव रोगों के बारे में आपको जो है पढ़ना है। तो उसके अंदर जो है आपको ये अच्छे से पढ़ना है। तो इसके बारे में आप देखिए कि इसमें लिखा है कि डेंगू के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से शुरू किए गए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान के दूसरे रविवार को कई हस्तियों ने जो है डेंगू के खिलाफ लड़ाई में समर्थन किया और वो शामिल हुए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस अभियान का नाम क्या है। इस अभियान का नाम है 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट अभियान, ठीक है, और ये कौन सी सरकार ने शुरू किया है, दिल्ली सरकार ने, ठीक है।
तो इसके बारे में आप ध्यान में रखें। और डेंगू के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है साइंस और टेक के हिसाब से, वो भी अगर आप चाहें तो उसको आप पढ़ सकते हैं उसके अंदर। चाहें कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ना है। एक वेक्टर जनित रोग है, मच्छर के काटने से होता है, दिन के समय यह मच्छर काटता है, ठीक है, तो इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। और इसके अंदर जो है शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो उनकी मात्रा जो उसकी उनकी जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, तो ये आप ध्यान में रखें। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर इसके अंदर और है, देखिए इसमें लिखा है ऑनलाइन गेम की लत छुड़ाने में मददगार होगा पोर्टल, ये सिटी न्यूज़ के अंदर ही है। इसके अंदर देखिए क्या है कि आपका जो एम्स अस्पताल है, आप जानते हैं दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जो है एम्स हॉस्पिटल जो है, वहाँ पर जो आपका बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक है, यानी कि BAC है, इस प्रकार का वहाँ एक क्लिनिक है, उसने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ में मिल करके एक डिजिटल पोर्टल तैयार किया है जिसका नाम है e-behavior, ठीक है। अब ये पोर्टल क्या करेगा, ये पोर्टल जो है लोगों की ऑनलाइन गेम्स और इससे होने वाली जो स्ट्रेस टेंशन जो लोगों के अंदर होते हैं उसको छुड़ाने में मदद करेगा, ठीक है। इसकी जो लत लग जाती है लोगों को, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप दूर भी नहीं रह सकते, लेकिन ये जो है आपको धीरे धीरे जो है इंसान को अंदर ही अंदर से जो है अल्कोहल से भी ज़्यादा, यानी कि आप शराब के सेवन से भी ज़्यादा लत जो है लोगों को इंटरनेट की और फ़ोन की लगी हुई है, तो उसको उससे निजात दिलवाने के लिए जो है उन्होंने एक डिजिटल पोर्टल तैयार किया है जिसका नाम है e-behavior। तो इस पोर्टल के बारे में आप ध्यान रखें कि ये जो पोर्टल है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, WHO के साथ में जो है आपका BAC क्लिनिक जो है एम्स का, उसने मिलकर के जो है ये पोर्टल तैयार किया है। अब ये न्यूज़ आपके कई मायनों में काम आ सकती है। देखिए पहली चीज़ तो ये, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग जो है ये एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर आपके ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और ऐसे किसी भी लेवल में पूछे जा सकते हैं, चाहे IAS की तैयारी करो, PCS की तैयारी करो, या फिर आप जो है SSC के जो आपके CGL एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर भी जो है आपसे लिखवाया जाता है, वहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है, या आपसे ग्रुप डिस्कशन में भी पूछा जाता है। तो आप एक सॉल्यूशन के बतौर ये बता सकते हो कि इस प्रकार के पोर्टल जो होते हैं वो भी काफ़ी लाभदायक है, जो प्रयास किए जा रहे हैं इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, उनमें आप इन चीज़ों को आप डाल सकते हो। यानी कि एक न्यूज़ को आपको यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लें। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपका ये नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, इसमें लिखा है अनुच्छेद 371 में नहीं होगा कोई बदलाव। ये आपके जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दिया है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम कि उन्होंने ये जो है किस संदर्भ में दिया है। तो देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका जो आर्टिकल 371 है, आप अगर पॉलिटी पढ़ेंगे यानी राज्य व्यवस्था जो हमारा संविधान पढ़ेंगे उसके अंदर आप देखेंगे कि आर्टिकल 371 जो है ये ए से लेकर के, यानी कि 371 ए से लेकर के जे तक जो है ये आर्टिकल्स हैं, और इसके अंदर कुछ राज्यों को जो है विशेष जो है इनके लिए पैकेज की व्यवस्था की गई है, विशेष दर्जे की व्यवस्था जो है इसके अंदर की गई है। जैसे कि अगर आप देखें तो आर्टिकल 371 के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात उसके बारे में जो है विशेष व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो और उसके बाद में अगर आप बी के अंदर जाएंगे, सी के अंदर जाएंगे, इस प्रकार से जे तक के जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर आसाम है आपका, नागालैंड है, मिज़ोरम है, सिक्किम है, इन सारे राज्यों के लिए जो है विशेष पैकेज की, विशेष व्यवस्थाओं की, विशेष उनके लिए जो है उनकी बात की गई है। तो यहाँ पर जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर हमने अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम 371 को जो है ख़त्म करेंगे, क्योंकि दोनों के जो परिप्रेक्ष्य हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो ये देखिए इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 को नहीं छुएगा और पूर्वोत्तर में एक भी घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा, अर्थात ये है कि 371 को समाप्त नहीं किया जाएगा अभी केंद्र के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है इसको आप ध्यान रखें। दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखें आप कि इन्होंने जो है गृह मंत्री जी ने NEC के 68वें अधिवेशन को संबोधित किया। ये NEC क्या है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, उत्तर पूर्वी परिषद,
जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनकी एक परिषद होती है, उसके अंदर जो होते हैं 8 राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो शामिल होते हैं। उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं, उसमें एक सिक्किम को भी जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वो 8 राज्य हो जाते हैं। उन 8 राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी बैठक होती है, उनका अधिवेशन होता है हर साल। तो अभी जो अधिवेशन हुआ था वो 68वां अधिवेशन था, और उनके चेयरमैन जो होते हैं वो गृह मंत्री जी होते हैं। तो अभी हमारे गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी। तो उन्होंने ये मीटिंग ली थी और वहाँ पर उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि हम जो है पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ में कोई भी जो है इसके अंदर भेदभाव नहीं करेंगे और उनको जो है इसमें जो है ऐसा नहीं किया जाएगा, यानी आर्टिकल जो 371 है उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये देखिए इसमें पूरा दे रखा है, जो आर्टिकल 371 है ना, इसके तहत क्या है कि जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, क्योंकि वो जनजातीय राज्य हैं, वहाँ पे ST पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ट्राइब्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए इन आर्टिकल्स के में जो है कई सारे प्रावधान हैं। तो इसीलिए गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि हम वहाँ शांति की स्थापित करेंगे और वहाँ जो है इन आर्टिकल्स को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ये उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए है। और NRC के लिए उन्होंने क्या कहा, NRC आप जानते हैं ये एक क्या है, नेशनल रजिस्टर है, ठीक है, जिससे कि जो है वहाँ के किसी भी जगह की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसको काउंट किया जाता है। इससे होगा क्या कि जितने भी घुसपैठिए हैं, यानी कि जो अवैध प्रवासी हैं जो इन राज्यों में आकर के बस गए हैं, उनको जो है इजीली इसमें से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये अभी असम के अंदर जो है फाइनली जो है NRC का काम कंप्लीट हुआ है, तो इससे जितने भी वहाँ के नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको हटाने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसके बारे में आप ध्यान रखें, तो ये बहुत अच्छा एक लेख था इसके बारे में, इसको भी आप पढ़ें ज़रूर से। नेक्स्ट है, स्विट्ज़रलैंड ने सौंपी भारतीयों के खातों से जुड़ी जानकारी, कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। तो देखिए ये जो स्विस बैंक खाते हैं, आपने सुना होगा कि ब्लैक मनी यानी कि अपने काले धन को जमा करने के लिए लोग जो है स्विस यानी स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो बैंकें हैं वहाँ पर जो है अपने खाता जो है वहाँ पर खोल के और इन पैसों को जमा करवाते हैं। और ऐसा करते क्यों हैं ये, ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति के नाम वगैरह जो है उनको नोट डाउन नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें एक पासवर्ड दिया जाता है जिससे कि वो खाता जो है उनका जो है सीक्रेट रह सके और कोई भी व्यक्ति जो है उसमें जा करके और फिर वो पैसों को विड्रॉ कर सकता है। तो इसीलिए जो है स्विट्ज़रलैंड की जो बैंक है उससे जो है बातचीत करके जो जितने ही भारतीय खाते हैं उनसे जुड़ी जानकारी, जो पुरानी जानकारी थी, जो बंद हो चुके हैं खाते, उनसे संबंधित जानकारी भी जो है ये बैंक देने के लिए जो है तैयार हो गया है, स्विट्ज़रलैंड सरकार देने के लिए तैयार हो गई है। तो इसीलिए जो है ये न्यूज़ हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है, ये न्यूज़ एक अपडेट की तरह है, ठीक है, एक अपडेट की तरह है, इसको न्यूज़ को ट्रैक किया जा सकता है। बाकी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसमें से कोई छोटा सवाल बन जाएगा, ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक अपडेट की तरह है जिसको कि आप ध्यान में रखें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, मंदी की बात सही नहीं, तेज़ होगा विकास। ये देखिए अभी हमने फ्रंट पेज पे पढ़ा था कि 100 दिन की जो सरकार हुई है उसने पर अपना एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। तो यहाँ जो है आपके गृह मंत्री ये जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने जो है एक बुकलेट जारी की है जिसका नाम है ऐतिहासिक जनादेश का सम्मान, कठोर परिश्रम और बड़े निर्णयों के 100 दिन। इस शीर्षक से जो है इन्होंने एक पुस्तिका जारी की है जिसके अंदर जितने भी सरकार के बड़े निर्णय, जैसे अनुच्छेद 370 35A को निरस्त करना, उसके अलावा जो है 3 तलाक का जो मुद्दा है उसके बारे में, UAPA एक्ट के अंदर जो है बदलाव करना, मोटर व्हीकल एक्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको जो है उन्होंने इंक्लूड किया है। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन की हुई है। UAPA एक्ट क्या है इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। UAPA है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये इस एक्ट के तहत जो है अभी एक परिवर्तन करके, पहले क्या होता था कि जो आतंकवादी संगठन है सिर्फ उन्हीं को ही डिक्लेयर किया जाता था कि भाई ये आतंकवादी संगठन है, संगठनों को ही आतंकवादी घोषित किया जाता था। अब जो है पर्टिकुलर व्यक्तियों को जो है आतंकी यानी टेररिस्ट जो है घोषित किया जा सकता है इसमें परिवर्तन के बाद, ठीक है। तो पहले होता क्या था कि ये जो संगठन है, ये संगठन चालाकी क्या करते थे कि भाई अगर जिस संगठन को, मान लीजिए जैश ए मोहम्मद को अगर बैन कर दिया गया है, तो वो किसी और नाम से इस संगठन को ख़त्म करके वो किसी दूसरे नाम से दूसरा संगठन चला लेता था। अब क्या किया है कि उन व्यक्तियों को ही जो है आप टेररिस्ट घोषित कर रहे हो यानी कि आतंकी घोषित कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है भले वो कोई कितने भी संगठन बना ले, वो व्यक्ति ही जो है आतंकी घोषित किया जा चुका है सरकार के द्वारा। तो इससे ये लाभ जो है होगा। तो ये जो है UAPA एक्ट जो है ये इसीलिए जो है ये एक्ट जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है।
नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं। देखिए एक न्यूज़ और है, हालांकि ये आपके लिए उस प्रकार से इम्पॉर्टेंट नहीं है जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं। देखिए ये लिखा है इसमें कि वामपंथी सोच से ग्रस्त हैं इस्तीफा देने वाले अफसर। आप जानते हैं कि दो आईएएस ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने जो है अभी अपना इस्तीफा जो है सरकार को दिया है, और सरकार की नीतियों से जो है उन्होंने ये कहा है कि हमें वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारा, जो एक लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, उसको जो है छीना जा रहा है, इसलिए जो है हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि वामपंथी सोच से ग्रसित हैं इस्तीफा देने वाले अफसर। तो वामपंथी सोच क्या होती है इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार के वामपंथ, दक्षिणपंथ, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये अखबारों में देखने को मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये चीज़ होती क्या है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ये जो शब्द हैं इनका जो हम मूल देखते हैं वो 1779 में फ्रांस से है। आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जब वहाँ की नेशनल असेंबली गठित हुई तो वहाँ जो असेंबली थी वो दो धड़ों में डिवाइडेड हो गई थी, दो धड़ों में बट गई थी। उन्होंने उनमें से एक धड़ा ये कहता था कि हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि दूसरा जो धड़ा था वो आपके राजशाही का समर्थन करता था। आप जानते हैं कि फ्रांस में पहले राजशाही था, ठीक है, तो राजशाही से जो लोग जिनको फ़ायदा होता था, जैसे कि कारोबारी वगैरह थे, चर्च वगैरह थे, तो उन लोगों ने जो है हमेशा राजशाही को यानी कि मोनार्की को जो है समर्थन दिया, और जो लोग जो पिछड़े थे, दबे कुचले लोग थे, जो आम लोग थे, जो मर्चेंट्स थे यानी कि जो व्यापारी थे, उन्होंने जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है समर्थन दिया था। तो जिन लोगों ने जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को समर्थन दिया उनको असेंबली में राइट की तरफ यानी कि राजा के राइट की तरफ बैठने के लिए कहा गया, और जो राजशाही के समर्थन में थे उनको जो है राइट की तरफ जो है इनको बैठने के लिए कहा गया, यानी कि सम्राट के जो समर्थक थे उनको जो है दाईं ओर, और क्रांति के समर्थकों को जो है बाईं ओर बैठने के लिए कहा गया था। तो इससे जो है राइट और लेफ्ट विचारधारा उस समय जो है पनपी थी, ठीक है, यानी कि जो राजशाही के समर्थक होते हैं उनको तो हम कहते हैं दक्षिणपंथी, राइटिस्ट या राइट विंग, और जो विरोधी यानी कि जो वामपंथी थे, जो विरोधी थे इस राजशाही के, उनको हम कहते हैं लेफ्टिस्ट या लेफ्ट विंग, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और है इसमें कि जो फ्रेंच नेशनल असेंबली में दाईं तरफ बैठने वाले जो लोग थे वो कौन थे, ठीक है, वो थे आपके कुलीन लोग थे, कारोबारी थे, धार्मिक तबके के लोग थे, जबकि जो बाईं तरफ बैठने वाले थे वो थे आपके आम नागरिक, ठीक है, यानी जो लेफ्टिस्ट लोग थे जो चाहते थे कि लोकतंत्र स्थापित हो वो क्या थे, आम नागरिक थे, ठीक है। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या बदलाव हुआ है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये है कि जो सरकार का समर्थन करते हैं वो होते हैं राइटिस्ट, और जो सरकार के विरोध में यानी कि जो चाहते हैं कि यहाँ पे उदारवाद हो, समूहवाद हो, धर्मनिरपेक्षता हो, ठीक है, तो वो जो है उनको कहते हैं हम लेफ्टिस्ट, ठीक है। तो ये आप इसमें अब आपको अंतर इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है, जैसे राइट को अथॉरिटी, व्यक्तिवाद और धार्मिक कट्टरता से जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन लेफ्ट को जो है उदारवाद, समूहवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सब से जोड़ करके जो है देखा जाता है। इसके बारे में आप ध्यान रखें कि ये राइट और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज के जितने भी लोग हैं ना जो ये कहेंगे कि जो है सरकार में जो है समाजवाद होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समाजवाद हो, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के पास में रिसोर्सेज हो, तो वो लेफ्टिस्ट कहलाते हैं, यानी कि सरकार की नीतियों के उलट उनका चलने का मकसद होता है, तो वो लेफ्टिस्ट हो जाते हैं, जिसको हम हिंदी में तो इंग्लिश में कहते हैं लेफ्टिस्ट और हिंदी में कहते हैं वामपंथी, ठीक है। तो ये अब आप इसमें ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके सीबीआई और राज्य के रिश्तों में निश्चित दूरी ज़रूरी, ये विनोद राय जी ने कहा है। और विनोद राय जी कौन है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये जो है हमारे पूर्व कैग रहे हैं सीए जी, और ये इसलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार यानी कि UPA 2 की जो सरकार थी उसके अंदर जितने भी स्कैम हुए हैं बड़े बड़े, जिनके बारे में आज आप जानते हैं, जो कि कांग्रेस सरकार के लिए एक बहुत जो धक्का साबित हुए थे, वो स्कैम उनकी छवि ख़राब करने वाले स्कैम थे, वो सारे स्कैम जो है इन्होंने ही उजागर किए थे, ठीक है। सीएजी के बारे में संवैधानिक जो भी प्रावधान है वो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, जो डेली क्विज़ है अगर आपने उनको फॉलो किया होगा तो उसमें मैंने उसको आपको बताया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इनकी एक पुस्तक आई है अभी, इसको आप याद रखें, अच्छे से लिख लें, नोट डाउन कर लें, इनकी पुस्तक का नाम है रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस होल्डिंग टू अकाउंट इंडियाज़ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और अभी जो है इन्होंने क्या कहा है, इनका स्टेटमेंट आया है कि सीबीआई और सरकार जो इनके जो रिश्ते हैं, सीबीआई देखिए हमेशा से ही कटघरे में खड़ी रही है ये संस्था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो सरकार है इसको अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है,
ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो एक शीर्षस्थ संस्था है हमारे यहाँ पे जुडिशरी में, न्यायपालिका की शीर्ष संस्था है, उसने भी ये कहा है कि जो आपका सीबीआई है वो पिंजड़े में बंद तोते की तरह है, ठीक है, तो अपने मास्टर्स के बारे मास्टर की आज्ञा लेकर के ही ये काम करते हैं। तो ये जो है इसके ऊपर जो है हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं, और विनोद राय जी हैं उन्होंने भी यही कहा है कि सीबीआई जो है अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि लॉबी करके, लॉबी आप समझते हैं, लॉबिंग का मतलब ये होता है कि अपने पक्ष में जो है सरकारी अधिकारियों को जो है अपने किसी फ़ायदे के लिए जो है वहाँ पर जो है अपनी पैरवी करना, ठीक है, तो जो अधिकारी होते हैं वो लॉबिंग करके जो है सीबीआई के अंदर निदेशक या इस प्रकार की पोस्ट पर पहले बैठते हैं, और बैठने के बाद में जब वो है वो अपने पावर्स को ना समझते हुए जो सरकार है उसके प्रति जो है अपने कहते हैं कि एक कि इन्होंने मुझे इस पोस्ट पे बैठाया है तो मैं ही जो है इनके फेवर में काम करूं, उस तरीके की जो मानसिकता है वो उनके अंदर जो है आ जाती है। जैसे कि यहाँ लिखा है इन्होंने कि अभियोजन की भूमिका गौण होती है और वे उसी राजनीतिक निष्ठा के दलदल में फंस जाते हैं जो संगठन के निदेशक को भ्रमित करता है, खासतौर पर तब जब निदेशक लॉबी करके नियुक्ति पाते हैं और फिर शुरुआत ही मैं आपका ऋणी हूँ से करते हैं, ठीक है। तो ये इनके विचार हैं इसके बारे में, तो ये आप ध्यान रखें, ये बहुत अच्छे विचार हैं पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी किताब जो है उनके बारे में जो है आप ध्यान में रखें, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इस प्रकार के जो सरकारी अधिकारी रहे हैं जो कि बहुत चर्चा में रहे हैं, जैसे कि TN शेषन जो थे वो हमारे बहुत ही एक उम्दा इलेक्शन ऑफिसर थे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो थे, ठीक है, CEC थे, तो निर्वाचन अधिकारी, तो उनके बारे में अगर कोई आती है ऐसी चीज़ आर्टिकल आता है तो उसको आप ज़रूर से पढ़ें। विनोद राय जी हैं, ठीक है, या कोई केंद्रीय मंत्री है अगर वो कुछ ऐसी बात लिखते हैं तो उनको आप ज़रूर से पढ़ें, या सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टेटमेंट आता है कभी भी तो उसको आप ज़रूर से पढ़ें, ठीक है, ये ऑथेंटिक चीज़ें होती है। देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ पीस है वो आपका शशि थरूर जी से संबंधित है, इसमें इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द हिंदू एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुज़्म, ठीक है, इस किताब का जो है इन्होंने लोकार्पण किया है, और इसमें इन्होंने कुछ एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात भी कही है। वो बात यह है कि अगर कांग्रेस अगर बचना चाहती है तो उसको जो है ये लाइट जो हिंदुइज्म है, ठीक है, तुष्टीकरण का जो हिंदुवाद ये फैला रही है उससे बाहर निकलना होगा। इन्होंने लिखा लाइट हिंदुत्व जो है उससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, तो ये इनके पॉलिटिकल इनके व्यूज़ हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा काम के नहीं है। इनकी किताब जो है, इस किताबों के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि सवाल पूछा जाता है हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस किताब को जो है नोट डाउन कर लीजिए। इस किताब का नाम है द हिंदू एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुज़्म, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो है हमारे लिए ये है कि गोद लिए बच्चों की वापसी के कारणों का पता लगाएगा NCPCR, ये क्या है, ये आपके आपको ये पढ़ना ज़रूरी है कि NCPCR क्या है इसके अंदर, तो वो हम पढ़ते हैं इसमें। तो देखिए NCPCR क्या है, NCPCR ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, यानी कि एक राष्ट्रीय आयोग है जो कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए कार्य करता है, और ये जो है 2005 के अंदर जो है ये बनाया गया था, और ये एक स्टैट्यूटरी यानी कि सांविधिक, इसको कहते हैं हिंदी में सांविधिक संस्था है। सांविधिक का अर्थ ये होता है कि संसद ने एक अधिनियम के द्वारा जो है इसको पारित करके इस संस्था को बनाया है, ठीक है, और 2005 में ये जो संस्था ये बनी है और बच्चों के अधिकारों के ऊपर जो एक शीर्षस्थ संस्था है, ठीक है। तो इन्होंने अभी जो है एक जो इनकी स्टडी है उससे पता चला है कि गोद लिए जो बच्चे हैं जिनको गोद लिया जाता है उनको वापस जो है उनको वापस वापसी जो उनकी वापस जो उनको किया जा रहा है उसमें बढ़ोतरी हुई है अभी, ठीक है, तो उनके कारणों का पता जो है लोग लगाएंगे। तो ये जो न्यूज़ है ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि न्यूज़ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि NCPCR आखिर है क्या, ठीक है, इस संस्था के बारे में आपको जानना ज़रूरी था, तो जो कि मैंने आपको बता दिया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि NCPCR क्या है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि NCPCR का गठन कब किया, क्या ये एक संवैधानिक संस्था है या नहीं, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आप देखिए लिखा है कि इसरो के साथ मिलकर खोज करेगा नासा, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ है नहीं, वो पूरी हिस्ट्री लिख रखी है। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आप जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए वो ये है कि इसको देखिए मैं यहाँ से पढ़ती हूँ कि नासा के मुताबिक चांद की सतह पर उतरने के केवल आधे अभियानों को ही पिछले 6 दशकों में सफलता मिली है। रूस का Luna 9 चांद पर उतरने वाला पहला चंद्र अभियान था, इसको आप नोट डाउन कर लें कि चांद पर उतरने वाला पहला अभियान जो था वो था Luna 9 जो कि था आपका रशिया का।
उसके बाद में देखिए अमेरिका का अपोलो 12 पहला सैंपल रिटर्न मिशन था, यानी कि जो वहाँ से सैंपल लेकर के नमूने एकत्रित कर करके लेकर के आया था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया एजेंसी जो है इन्होंने भी जो है इसकी प्रशंसा की है, ये हमारे किसी काम की चीज़ नहीं है। और इसमें जो है पूरी चीज़ बता रहा है कि हॉरिजॉन्टली वो कैसे आया जो आपका विक्रम है और किस प्रकार से जो है उसमें वो हुई, लेकिन ये हमारे किसी काम का ज़्यादा है नहीं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वो है वकालत का पर्याय थे राम जेठमलानी, इनके कुछ चर्चित केसेस को आप देख लीजिए जिससे आपको इनके महत्व का पता चलेगा। नानावती केस, इंदिरा गांधी के हत्यारे, केहर सिंह और बलबीर सिंह का केस, हवाला में लाल कृष्ण आडवाणी का केस, राजीव गांधी के हत्यारों का केस, हर्षद मेहता तस्कर, हाजी मस्तान, 2G घोटाले और विदेशों में जमा काला धन, जेसिका लाल हत्याकांड और सोहराबुद्दीन केस, और 4 घोटालों में लालू प्रसाद यादव के ये वकील रहे हैं। तो अब आप जानते हैं कि इनका जो महत्व है वो क्या है, इसीलिए जो है इनको इतना इम्पोर्टेंस जो है न्यूज़पेपर में भी मिला है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट है, केंद्र लद्दाख को आदिवासी क्षेत्र का दर्जा देने को राजी हुई है। तो देखिए केंद्र सरकार जो है वो आप लद्दाख जो क्षेत्र है, आपको पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो है यूटी बनाने की बात की जा रही है, यानी कि जिसको कहते हैं संघ राज्य जो क्षेत्र होते हैं वो बनाने की बात की जा रही है। तो अभी जो है NCST यानी कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, ये आप जानते ही हैं राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, उनसे एक चर्चा की गई है जिससे कि लद्दाख को जो है एक अनुसूचित क्षेत्र जो है उसका आदिवासी क्षेत्र जो है उसका दर्जा दिया जा सके और उसको 6ठी अनुसूची के अंदर जो है रखा जा सके। देखिए 6ठी अनुसूची जो है वो आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है और उसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी इलाकों को जो है स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद गठन करके प्रशासन मुहैया जो है ये करवाती है, ठीक है। अगर 6ठी अनुसूची में किसी राज्य को रख दिया जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि वो राज्य जो है आदिवासी क्षेत्र है और उसको जो है उसके कई जिलों को जो है स्वायत्तता जो है वो दी जाती है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि लद्दाख जो है वहाँ पर 98% जो वहाँ की आबादी है वो क्या है, आदिवासी आबादी है। तो इसीलिए वहाँ के जो प्रमुख नेता है जिनका आपने भाषण सुना होगा और मेरे हिसाब से कई बार सुना होगा, जामयांग जी जो है, जामयांग जी नांग्याल जो है, उन्होंने अनुशंसा की थी कि जो इसको है हमारे राज्य को जो है अनुसूचित जो है आदिवासी क्षेत्र जो है वो डिक्लेयर किया जाए। तो इससे होगा क्या कि जो आदिवासी लोग हैं उनकी संस्कृति जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए संवैधानिक प्रावधान होते हैं, तो वो उनको मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में आपको क्या लिखना है या याद करना है, पहली चीज़ तो ये कि आप लिख लें अपने कॉपी में के अनुसूची 6ठी अनुसूची क्या है, ठीक है। 6ठी अनुसूची के बारे में पूरी जानकारी रख लें कि इसमें किन किन राज्यों को जो है इंक्लूड किया गया है। दूसरी चीज़ ये नोट डाउन करें कि लद्दाख जो है उसको क्यों इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 98% जो आबादी है वो क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आप इस आर्टिकल को इस हिसाब से इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप और आगे जाना चाहें तो NCST के बारे में भी जानें थोड़ा कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है, ठीक है। अनुसूचित जातियों का राष्ट्रीय आयोग जो है, ये राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जाति ये क्या है, इसके बारे में भी आपको कुछ प्रावधान जान लेने चाहिए, ठीक है। और इसी से संबंधित एक न्यूज़ और आई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, यानी कि एक ही हाईकोर्ट होगा, इस पर भी चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि स्टेट जुडिशियल अकेडमी जो है उन्होंने ये जानकारी दी है कि इनके लिए जो है एक ही हाईकोर्ट होगा जहाँ पे 108 केंद्रीय कानून जो है लागू होंगे, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें जस्ट फॉर अपडेट। देखिए इसके बाद में जो है हम एक संपादकीय पृष्ठ पर आ चुके हैं जहाँ पर के कई जो आर्टिकल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। सरकार के 100 दिन ये आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। डेंगू का कहर ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसमें वही चीज़ रिपीट की गई है। लोकतंत्र को चाहिए सशक्त संस्था, ये मनीष तिवारी जी हैं जो कांग्रेस सरकार के अंदर जो है मंत्री भी रहे थे, तो ये आर्टिकल पढ़ने लायक है। राजनीतिक आर्टिकल ज़्यादा है तो इसको आप उस हिसाब से पढ़ें। दूसरा है सबक सिखाने वाला अभियान, ये इसरो के ऊपर थोड़ा सा अपडेट है, इसको आप ना पढ़ें क्योंकि इसके ऊपर जो हमने पहले पढ़ा है उसके जैसे कि Luna 2 जो है और Apollo 12 जो है, Apollo 11 जो है, ये अभियान उसी के बारे में कुछ अपडेट्स और हैं, तो ये ज़्यादा जानकारी रखने की इसमें कोई आवश्यकता है नहीं। ये आर्टिकल अच्छा है, कैसे बने कुपोषण मुक्त भारत,
क्योंकि अभी देखिए कुपोषण बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे भारत में। सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों के बारे में जानकारी मिली है, क्योंकि हमें पता चला है आंकड़ों के अनुसार 4,67,00,000 बच्चे भारत के अंदर कुपोषण से ग्रस्त हैं। और इस संख्या को जो है आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि निबंध लिखते वक्त ये संख्या आपके बहुत काम आ सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने बताया क्या क्या है आगे। देखिए, भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ कुपोषण का स्तर जो है वो व्यापक है। कुपोषण का कारण भोज्य पदार्थों की पर्याप्त पहुँच ना हो पाना ही नहीं, बल्कि सही मायनों में आहार में पोषक तत्वों की कमी होना भी है। ये पोषक तत्व ही हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का माध्यम है, ठीक है। जैसे कि जब आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, तब तक व्यक्ति अल्प पोषण से पीड़ित हो जाता है, ठीक है। और परिणाम स्वरूप व्यक्ति की उम्र के हिसाब से ऊंचाई और वजन कम होने लगता है। और जब इन पोषक तत्वों की शरीर में अधिकता हो जाती है तो अति पोषण के रूप में व्यक्ति को मोटापा घेरने लगता है, जो कई दूसरी बीमारियों का कारण बनता है। तो ये आप जो है इसको भी आप ध्यान में रखें, ये बहुत अच्छी बातें इसके अंदर लिखी गई है। ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के बच्चों में सर्वाधिक कुपोषण का कारण लड़कियों की कम उम्र में शादी होना है, ठीक है। कम उम्र में जब शादी होती है तो कम उम्र में वह माँ बनती है, तो अल्प विकसित या अविकसित जो है बच्चे उनके पैदा होते हैं, जिसमें कि कुपोषण बहुत ज़्यादा होता है, एनेमिक होना जाहिर सी बात है, ठीक है। और दूसरा इसमें है, वहीं जन्म के समय शिशु के लिए माँ का दूध उत्तम एवं अनिवार्य आहार होने के बाद भी देश में केवल 37.1% नवजात शिशु ही माँ का स्तनपान करते हैं। नवजात के लिए पौष्टिक एवं प्रतिरक्षा मूल्य के लिए आवश्यक माँ का दूध उन्हें नहीं मिलने से वे कुपोषित हो जाते हैं। तो ये कुपोषण के कारण आपको पता चल गया कि हमारे भारत में इतना कुपोषण के क्या रीजंस हैं। उसके बाद में कुपोषण से निपटने के लिए ढेरों योजनाएँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है क्रियान्वयन जो है उसके अंदर जो है समस्या आ रही है। लास्ट में जो ये लेखक है वो कहते हैं कि जिस प्रकार से हमने कहा है कि पोलियो मुक्त भारत होना चाहिए, उसी प्रकार से जो है कुपोषण मुक्त भारत जो है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आंकड़े आप ज़रूर से लिख लें, नोट डाउन कर लें, ये आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे। नेक्स्ट जो एक आर्टिकल है वो काफ़ी अच्छा है, वो है आपका अधूरा बैंकिंग सुधार अधिक खतरनाक है, ठीक है। ये इस पर मैं आपको छोटे से रूप में बता देती हूँ कि लेखक ये कहते हैं कि आपके जो भी बैंकिंग क्षेत्र के अंदर जितने भी अभी परिवर्तन हो रहे हैं, कि जो 27 बैंकें थी उसमें से 10 बैंकों को मर्ज कर दिया गया, 12 ही बैंकें रह चुकी हैं, तो ये जो अनुशंसाएं हैं ये आपके नरसिम्हन समिति ने बहुत पहले ही कर दी थी, ठीक है। और नरसिम्हन समिति, दो समितियाँ बनी थी, नरसिम्हन समिति, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो PLS है यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर PSL है यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है उसको जो है ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बैंकों के अंदर दबाव रहता है कि 40% लोन जो है उनको किसी ना किसी रूप में देना ही है, तो वो जो है बिना जाँच परख किए उस लोन को देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो जो है इसकी भी अनुशंसा इसमें की गई थी। जो ये जो सुधार है जो अब किए जा रहे हैं ये बहुत अवेटेड सुधार है, जो कि पहले किए जाने चाहिए थे। और लेखक जो है इसमें ये कहता है कि जो आपकी पहली तिमाही में जो आपकी 5% की ग्रोथ है ये ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बल्कि जो सुधार है ये पहले होने चाहिए थे ये ज़्यादा मैटर करती है। और आगे ये भी कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित ना होकर के और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकारों को जो है इन जो भी ये मेजर्स ले रहे हैं, सुधार के जो भी उपाय ले रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जितने भी सुधार हैं वो जड़ से होने चाहिए, ऊपरी तरह पे यानी सतही सुधार जो है वो नहीं होने चाहिए। ये पूरा लेख जो है इसी से संबंधित है, आप चाहे तो इस लेख को पढ़ सकते हैं, लेख काफ़ी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो खबरें हैं वो है आपके बिजनेस अखबार से संबंधित। इसके अंदर देखिए पहली खबर जो है, खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को मजबूती देने में जुटा भारत। तो देखिए खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्रीज़ के साथ में कुछ हमारे देखिए फैक्ट्स है इसमें, वो याद रखिए आप। खाड़ी देशों के साथ भारत का कारोबार है करीबन $100 अरब, ठीक है। खाड़ी में 75,00,000 से ज़्यादा भारतीय रहते हैं, जो सालाना हमारे यहाँ पे $55 अरब की राशि रेमिटेंस के रूप में जो है भेजते हैं। और इस्लामिक देशों का जो संगठन है IOC, ठीक है, इन देशों के अंदर भी जो है इन गल्फ कंट्रीज़ का दबदबा है, और ऊर्जा ज़रूरत के बड़े हिस्से के लिए इन्हीं देशों पर जो है भारत आश्रित है। तो गल्फ कंट्रीज़ के साथ में यानी खाड़ी देशों के साथ में हमारे जो संबंध हैं
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो आप जानते हैं कि तेल की ज़रूरतों के हिसाब से भी जो है खाड़ी देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो वो भी आप ध्यान में रखें। और खाड़ी देशों में सबसे महत्वपूर्ण देश देखिए, नाम देख लीजिए उनके, जैसे UAE है, या जिसको हम कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, UAE है, ठीक है। तो यहाँ की यात्रा भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी की थी, ठीक है। तो अब वहाँ पे कारोबार को जो है किस प्रकार से ढालना है, ठीक है, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं और हमारे रिश्तों में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको जो है इस आर्टिकल में एनालाइज किया गया है। तो देखिए इसमें लिखा है, ढांचागत क्षेत्र में UAE व सऊदी अरब से निवेश की शुरुआत जल्दी की जाएगी और अहम दौर में पहुंची खाड़ी देशों के साथ तेल के बदले अनाज वार्ता, कई देशों के साथ सामरिक अभ्यास को लेकर भी चल रही है वार्ता। यानी भारत जो है देखिए इन पक्षों को, इन डायमेंशंस को भी संबंधों के बीच में खंगाल रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें क्योंकि खाड़ी देशों के साथ में हमारे जो संबंध है वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी IR का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको कि हमको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नीली क्रांति में मनरेगा बड़ी भूमिका निभाने को तैयार, नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने कहा है कि जो नीली क्रांति है उसमें आपका मनरेगा बड़ी भूमिका निभा सकता है। नीली क्रांति क्या है, आपने सुना होगा मछली पालन, ठीक है। तो मछली पालन से संबंधित ये हमारी क्रांति है जिसको हम नीली क्रांति कहते हैं, तो उसके अंदर आप मनरेगा को जो है इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आप देखिए, इसके अंदर नेक्स्ट आपके लिए है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए दर्जन भर बैंक काफ़ी। ये एक आर्टिकल है, हमारे जो वित्त सचिव हैं उन्होंने कहा है, वित्त सचिव कौन है हमारे, राजीव कुमार जी, उन्होंने कहा है कि जो 10 बैंक जो विलय किया गया है अभी बैंकों का, 10 बैंकों के विलय के लिए कंसोलिडेशन प्रक्रिया जो है लगभग पूरी होने वाली है। इससे बैंकों की संख्या नए भारत की ज़रूरतों के मुताबिक हो जाएगी। इस प्रक्रिया के पूरे हो जाने के बाद देश में लगभग 6 ग्लोबल साइज़ की बैंकें जो है वो स्थापित होंगी, यानी कि बैंकों की संख्या जो है 27 से घटकर के 12 ही रह जाने वाली हैं। और इन्होंने कहा कि बैंकों की इतनी संख्या देश की ज़रूरतों के मुताबिक हैं। इकोनॉमी के अगले चरण की ग्रोथ के लिए बड़े बैंकों का होना ज़रूरी है, तो ये इनकी इसमें जो है बात है। उसके बाद में देखिए, विलय की घोषणा का उद्देश्य बैंकों का आकार बढ़ाना है। अब हमारे पास 6 बड़े बैंक होंगे जिसमें उच्च स्तर की वृद्धि में मदद मिलेगी, जो भारत को मध्यम आय वाले देशों के क्लब से बाहर निकालने में सहायक होगी। तो देखिए ये बैंकों के विलय के ऊपर जो है वित्त सचिव का जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बड़े बैंक हैं हमको जो है जो मध्यम आय वाले देश है उनसे बाहर निकालेगी, ठीक है। तो ये आप जो है इसके बारे में ध्यान में रखें। और इसके बाद में आप देखिए कि जो ये बैड लोन्स हैं उनकी समस्या से भी जो है बैंकें उभर रही है। बैड लोन क्या होते हैं कि ऐसे लोन जिनको कि दोबारा से रिकवर नहीं किया जा सकता, यानी कि लोन तो दे दिए और फिर बाद में NPA हो जाते हैं और उसको बाद में रिकवर भी नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बैड लोन्स हो जाते हैं बैंक के लिए। तो उसके बारे में ये है, तो ये एक वित्त सचिव के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हमने इसमें पढ़ा। ये देखिए, ये एक स्टेट न्यूज़ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड के हस्तशिल्प को ग्लोबल बाज़ार देगी फ्लिपकार्ट, एक समर्थ योजना करके, समर्थ योजना, ठीक है। ये किसके लिए आई है, जो आपके झारखंड है वो और फ्लिपकार्ट के बीच में है, जिससे कि जो झारखंड के जो हस्तशिल्प है उसको जो है ग्लोबल बाज़ार में फ्लिपकार्ट उतारेगा। तो ये समर्थ योजना जो है झारखंड के कारीगरों और बुनकरों को जो है समर्थ बनाने से जुड़ी हुई है, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में देखिए, तालिबान शांति वार्ता टूटी, हालात पर भारत की भी पैनी नज़र, क्योंकि भारत जो है अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अफ़गानिस्तान जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल इंडिया के अंदर पेनिट्रेट करना है, वहाँ तक पहुँच बनानी है अपनी, तो हमें अफ़गानिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अफ़गानिस्तान के क्या हालात रहते हैं वो भारत के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी हमको जो है ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके लिए, यहाँ पर लिखा है कि बातचीत के ज़रिए ही कश्मीर विवाद का हल निकाले भारत और पाकिस्तान, ये चाइना का कथन है, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़ है कि S-400 प्रणाली की आपूर्ति 18 से 19 महीने में होगी रशिया। देखिए S-400 जो हमने प्रणाली जो है ये हमने रशिया से लिए, बस इतना आप ध्यान रखें इसके अंदर। तो
बाकी आगे देखिए, हांगकांग में अमेरिकी राष्ट्रगान गाकर ट्रंप से मांगी मदद। आप जानते हैं हांगकांग के अंदर जो है अभी हांगकांग जो है वो चाइना के द्वारा जो है शासित है, प्रदेश है, और हांगकांग जो है अपनी डेमोक्रेसी के लिए, या वो चाहता है कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो सके, तो उसके लिए वो मांग कर रहा है। काफ़ी प्रदर्शन भी वहाँ पर हो रहे हैं, तो ये उससे संबंधित है। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के अंदर देखिए एक अच्छी न्यूज़ है कि अभी जो US ओपन हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है एक तो आपके RS का भी सिलेबस है, दूसरा अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी होना आपके लिए अति आवश्यक है। तो US ओपन की नई क्वीन बियांका एंड्रेस्क्यू बनी है, यानी कि इन्होंने जो है अमेरिका की दिग्गज खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स, उनको हरा करके जो है US ओपन को इन्होंने जीता है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कि ब्रियंका एंड्रूज जो है ये कनाडा से संबंधित हैं, और उन्होंने जो है पहली बार जो है ग्रैंड स्लैम चैम्पियन वो बनी है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें, ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आइटम है इसमें। उसके अलावा और कोई न्यूज़ आइटम फ्रेंड्स है नहीं जो कि महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि लास्ट की जो न्यूज़ होती हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए देखिए फ्रेंड्स इतना ही है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आज के अखबार का अच्छे से विश्लेषण दे सकूं, और मेरा प्रयास ये इसलिए था कि जिससे आप जो है किसी भी वेबसाइट पे इस प्रकार से डिपेंड ना हो कि जो है वहीं से हम करंट अफेयर्स को पढ़ें, आप खुद से भी पढ़ने के लिए जो है सशक्त हो पाएँ, आप अखबार को अच्छे से एनालाइज़ कर पाएँ, अपने सिलेबस के हिसाब से जो है अखबार को योजनाबद्ध तरीके से देख पाएँ, पढ़ पाएँ, समय दे पाएँ। तो वो मेरा एक छोटा सा प्रयास था। देखिए हमने इस पूरे अखबार को 45 मिनट में जो है ख़त्म कर लिया है, और अगर इसमें आप बीच की बातचीत को भी हटा दें तो मुश्किल से अपने को 40 मिनट जो है इसके अंदर लगे हैं, 35 से 40 मिनट्स जो है एक दिन अखबार पढ़ने में लगता है। अगर आप चाहें तो हम इसके लिए जो है आपको और भी इस प्रकार के जो लेक्चर्स हैं, डेली जो न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। अगर आपको डेली ये न्यूज़ एनालिसिस चाहिए दैनिक जागरण का, या और जो अखबार आप चाहते हैं, देखिए और अखबार आप चाहें ना चाहें लेकिन आपको दैनिक जागरण तो पढ़ना ही है। दैनिक जागरण के अलावा आप जो है द हिंदू, अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो उसको भी ज़रूर पढ़ें, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं आपको दैनिक जागरण भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल जो है इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं, और न्यूज़ भी है बहुत अच्छे से कवर की जाती है। तो आप किसी भी परीक्षा के परीक्षार्थी क्यों ना हो, आपको इसी प्रकार से जो है अखबार को पढ़ना है, पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको आप चाहते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है इसको हर डेली जो है इसको कंटिन्यू किया जाए, तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम डेली को इसको कंटिन्यू करेंगे, उसके साथ ही आप चाहेंगे तो आपको जो है अखबार का एनालिसिस भी रोज़ाना प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से जो है आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं। और कल का मैंने डेली क्विज नहीं डाला था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसको हम आज इंक्लूड कर लेंगे, उसके लिए आप चिंता ना करें, बेफिक्र रहें, आपको जो है किसी भी चीज़ का जो है नुकसान नहीं होगा इन चीज़ों से, तो आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहें। टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं इस अखबार को भी जो है अपलोड करूँगी, तो उसको आप आराम से उसमें से भी पढ़ सकते हैं। और देखिए जो भी चीज़ें हैं आपको नहीं पता हैं उनको आप जानिए और पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।